नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 15th of February 2022 के बारे में। 15 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन रहेगा, आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अचूक उपाय और एंजल नंबर जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ये जो दिन रहेगा इस दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। आज के दिन में स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा और दिमाग में एक अशांति का माहौल थोड़ा सा रहेगा, या किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आपको महसूस हो सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अब क्योंकि माइंड फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, इसीलिए इरिटेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और इरिटेशन ज़्यादा होने के कारण से आप अपना गुस्सा किसी और पर निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई काम ना बने या फिर अगर आपका कोई काम बिगड़ जाए तो उसके कारण से भी गुस्सा जो जनरेट होगा वो आप दूसरों पर निकालने की कोशिश करेंगे, एंड उसके एक्शन के रिएक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए आज का ये जो दिन है ये दिमाग को संतुलित रखने का दिन है या शांत रखने का दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसने आज अपने दिमाग को शांत रख करके काम किया उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा। जिसने ऐसे ही हवा में चल के दिन को लाइटली ले लिया और उसके बाद अग्रेशन में आकर के कोई गलत कदम उठा लिया तो वहां पर आपका दिन खराब हो जाएगा और आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, इसके चांसेस यहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको दिन कैसा निकालना है। यहां पर फाइनेंशियली अगर बात करें, शेयर मार्केट वाले आज के दिन संभल कर काम करिएगा। आज के दिन शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है आप सभी को और आप सभी जल्दबाजी के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, इसीलिए बहुत समझदारी के साथ आज के दिन मार्केट में आपको एंट्री करनी है, नहीं तो वहां पर नुकसान पक्का है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए आज फूड इंडस्ट्री में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिलेगा और मेडिकल इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। मेडिकल की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज भी आप सभी को देखने को मिल सकती है, इसके भी चांसेस यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज यहां पर देखने को मिलेगी, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं चीजें खराब हो सकती हैं तो इसके भी चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन यहां पर रहेगा और उसके कारण से थोड़ी सी परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए रिलेशनशिप में आप सभी को आज के दिन में संभल कर रहना है, बहुत थोड़ा सा संभल कर रहना है, ज्यादा कोई दिक्कत ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, बैलेंस बना रहेगा। बट वही जैसे मैंने कहा एक्शन के रिएक्शंस हो सकते हैं, तो यहां पर अगर रिएक्शन होता है तो ये ज्यादा खराब हो जाएगा फिर। तो इसीलिए रिश्तों को खराब ना करें और अपनी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि जुबान से निकाला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जाता और इस कारण से अगर किसी के दिल पर एक बार चोट लग जाए तो उसको वापस आसानी से खत्म नहीं किया जाता। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए और बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्थ में यहां पर देखा जाए दिमाग संतुलित, मन संतुलित, और मन संतुलित तो तन संतुलित, मतलब कि हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकली जो कैलकुलेशंस निकलती है ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर दिन आपका खराब नहीं है, दिन आपका अच्छा है और दिन को आप और अच्छे से भी यहां पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अलावा यहां पर बात करें देश और दुनिया को तो लेकर के देश और दुनिया में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिलता है। आज मिलिट्री को लेकर के कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई बड़ी बातचीत हो सकती है और या फिर मिलिट्री के लिए कोई बड़ी चीज़ सामने यहाँ पर आ सकती है, इसके चांसेस बनते हैं। मिलिट्री का कहीं के इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके भी चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करके चलना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती है, अमेरिका किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है, इसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और साथ ही साथ जो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया में, उसमें भी थोड़ा सा हलचल महसूस हो सकती है, बट नथिंग नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी आज के दिन में तो नहीं दिखाई देता। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों के लिहाज से। राशियों के माध्यम से देखा जाए यहाँ पे तो वृषभ राशि के लिए दिन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्क राशि के लिए भी दिन ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तुला राशि के लिए भी दिन यहाँ पर ठीक है, धनु राशि के लिए भी ठीक है और मीन राशि के लिए भी यहाँ पर दिन काफी ज्यादा अच्छा है।
आप सभी को थोड़ा सा मेहनत करनी है, बट ओवरऑल दिन आपके लिए पॉजिटिव यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है। नंबर्स में यहां पर अगर हम बात कर लें तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 7 वालों के लिए दिन यहां पर अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अल्फाबेट्स में यहां पर देखा जाए तो अल्फाबेट्स में ए, सी, एम, एन, एच, वी, के, यू और आई, आप सभी के लिए दिन जो है वो यहां पर पॉजिटिव दिखाई देता है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अचूक उपाय के बारे में और एंजल नंबर के बारे में। उससे पहले अगर आज आपका जन्मदिन है, अगर आज आपकी एनिवर्सरी है या फिर आपके जीवन का कोई विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शानदार जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अगर आज आपका जन्मदिन है तो ये जो आने वाला साल रहेगा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साल रहेगा। थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल पाएंगे। तो इसीलिए पूरे साल बहुत सोच समझ के और समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, दिन आपका अच्छा जाएगा, साल आपका अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आप सभी मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, पुणे में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर दीजिएगा कि आप पर्सनली मुझसे मिलकर अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। दिल्ली में मैं जो रहने वाला हूँ 23rd of February से लेकर के 27th of February तक मैं दिल्ली में रुकने वाला हूँ। अगर आप सभी मिलना चाहते हैं फटाफट से WhatsApp पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको आगे की डिटेल्स WhatsApp पर मिल जाएगी। उसके बाद मैं ट्रैवल करूंगा पुणे और मुंबई की तरफ, तो अगर आप पुणे और मुंबई से हैं और मिलना चाहते हैं तो ड्रॉप मी अ मैसेज। चलिए आज का जो एंजल नंबर रहने वाला है ये भी कुछ विशेष रहने वाला है, क्योंकि दिन में फ्लक्चुएशन होता है तो एंजल नंबर बैलेंस करते हैं और वैदिक उपाय आपको पावर देते हैं, और इसीलिए ये जो वैदिक नंबर और एंजल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, लाइक एंजल नंबर और वैदिक उपाय का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए हमेशा सक्सेसफुल होता है। नंबर नोट कर लीजिएगा 5, 6, 7, 9, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है और आपको पूरी तरह से बैलेंस करने वाला नंबर है। आज के दिन अगर आप इस नंबर को किसी ग्रीन पेपर पर रेड कलर से अगर आप लिख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कामों में बरकत देखने को मिलेगी और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हुए देखने को मिलेगी, मन शांत रहेगा और आप बैलेंस रहेंगे। वैदिक उपाय में आपको क्या करना है, वैदिक उपाय में आज के दिन आपको दो चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से करनी है। पहली चीज़, आपको अपने फादर से सलाह मशवरा लेकर के काम करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी बड़े से फादर तुल्य जिससे आप बड़ा मानते हैं, जिससे आप राय सलाह लेते हैं, उनसे राय सलाह लेकर के काम करिएगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं कहीं पर भी तो डेफिनेटली सलाह लेना ज़रूरी है आपके लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सलाह लेकर के काम नहीं करेंगे तो नुकसान के चांसेस आपके बन सकते हैं। दूसरी चीज, आज का आपको क्या करना है, आज के दिन छोटा सा ही काम करिएगा, अपने दिन की शुरुआत कुछ मीठा खा के करिएगा, अगर गुड़ खा लें या शहद खा लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर इनके इस गुड़ और शहद ना मिले तो चीनी और चीनी के साथ इलायची ज़रूर खा लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा आज के दिन आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है, अपने इष्ट देव से आपकी आराधना करनी है एंड साथ ही साथ आपको ये प्रार्थना करनी है कि फाइनेंशियल अगर कोई लॉसेस मेरी लाइफ में चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाए। स्पेशली आज के दिन में 6:30 to 7:30 के बीच में आपको 3 बार अपने एंजल नंबर को बोलना है और ये प्रे करना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बाहर निकल जाएं। 6:30 to 7:30 इवनिंग के बीच में आपको ये काम करना है और फिर देखिएगा इसका रिजल्ट। आपको सिर्फ प्रे करना है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल जाएं। किसी का नाम नहीं लेना है कि किससे प्रे कर रहे हैं, कौन से भगवान से प्रे कर रहे हैं, कोई नाम नहीं लेना है। एंजल नंबर बोलना है आपको जो मैंने बताया है और आपको सिर्फ ये प्रे करना है एंड फिर आप इसका रिजल्ट भविष्य में होते हुए ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।